एक टर्म डिफाइन किया जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो बेसिक डेफिनेशन हो ये है, इट इज ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब कोई कंडक्टर है तो किसी कंडक्टर के अंदर अगर 1 न्यूटन पर कूलम का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो कितना ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर करेगा कोई इलेक्ट्रॉन, वो हो गया उसकी मोबिलिटी। उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जा सकता है, मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल, है ना। तो वहां पर दो तरह की मोबिलिटी डिफाइन की जाती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोबिलिटी ऑफ होल्स फाइंड करते हैं तो वहां पर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल्स लिखते हैं ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वहां पर दो तरह की मोबिलिटी फाइंड की जाती है। यहां पर हम लोग एक ही तरह की मोबिलिटी यूज करेंगे क्योंकि यहां पर हम होल्स के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, यहां पर चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।